नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 फरवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 9 आईएएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर। होली के मौके पर बिहार के लिए इंडियन रेलवेज ने चलाई 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। जमीन रजिस्ट्री और दाखिल खारिज में गड़बड़ी होने पर सीधे सीओ पर होगी कार्रवाई। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा का आज आखिरी दिन। आईसीसी रैंकिंग में तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बनी टीम इंडिया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मेट्रो ने 125 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। कोलकाता मेट्रो ने फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट और वेल्डर के कुल मिलाकर 125 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है और इसके साथ ही उम्मीदवार संबंधित विषय से ITI पास कर चुके हो। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 6 मार्च 2023 तक है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक और उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट apprenticeshipindia.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में नवोदय की तर्ज पर बनाए जाने वाले कन्या विद्यालय में इन छात्राओं को मिलेगा लाभ। बिहार सरकार के द्वारा बिहार में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर पिछड़ा अति पिछड़ा कन्या विद्यालय खोले जाने वाले हैं। इसके लिए सरकार की ओर से तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में अभी राज्य के 11 जिलों में विद्यालय संचालित किया जा रहा है। वहीं 7 विद्यालय ऐसे हैं जहां विद्यालय के लिए भवन निर्माण के कार्य को कैबिनेट की ओर से मंजूरी दे दी गई है, जिनमें गया, सासाराम, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर जिला शामिल है। मालूम हो कि विद्यालय को लेकर पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग के द्वारा इस संबंध में व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। इस विद्यालय के खुलने से सुदूर इलाकों की पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को काफी फायदा मिलेगा। वहीं 7 जिलों में इस विद्यालय के निर्माण हो जाने से राज्य में कुल 18 पिछड़ा अति पिछड़ा कन्या विद्यालय हो जाएंगे, जिसका निर्माण नवोदय विद्यालय के तर्ज पर किया गया हो। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा का आज आखिरी दिन। 16 फरवरी यानी कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का आखिरी दिन है। बता दें कि अपने समाधान यात्रा के आखिरी दिन मुख्यमंत्री आज बेगूसराय और पटना जाने वाले हैं। इसके लिए बेगूसराय में उनके आगमन को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपनी समाधान यात्रा की शुरुआत 5 जनवरी से की थी, जिसमें वे पश्चिमी चंपारण जिले के दौरे पर गए थे। बता दें कि आज मुख्यमंत्री अपनी समाधान यात्रा के दौरान बेगूसराय में सदर प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करेंगे और इस दौरान वे स्थानीय लोगों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद वे समाहरणालय स्थित कारगिल विजय भवन में समीक्षा बैठक करेंगे और फिर पटना के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। बिहार में 9 आईएएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर। बीते दिन सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार में राज्य सरकार के द्वारा 9 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। बता दें कि 9 आईएएस अधिकारियों में 7 आईएएस अधिकारी नव नियुक्त हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 9 आईएएस अधिकारियों को जिन नए पदों पर तबादला किया गया है, उनमें कुंदन कुमार को स्थानिक आयुक्त बिहार भवन नई दिल्ली, पलका साहनी को बिहार भवन नई दिल्ली में विशेष कार्य पदाधिकारी, अनिल कुमार झा को कृषि विभाग में संयुक्त सचिव, संजीव मित्तल को वित्त विभाग में संयुक्त सचिव, संजय कुमार को सहकारिता विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त, रूबी को वाणिज्य कर विभाग में संयुक्त सचिव, कृष्ण कुमार को भी वाणिज्य कर विभाग में संयुक्त सचिव, संजय कुमार सिंह को कृषि विभाग में संयुक्त सचिव और अभय झा को सहकारिता विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात किया गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे इंदू सोनाली के बारे में। इंदू सोनाली एक भारतीय फिल्म पार्श्व गायिका है, जिन्हें भोजपुरी के आइटम गानों में गाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 300 भोजपुरी फिल्मों और 50 संगीत वीडियो एल्बमों के लिए गाया है और उन्हें भोजपुरी फिल्म उद्योग के शीर्ष पार्श्व गायकों में से एक माना जाता है। उनकी संगीत शैली आदिम ध्वनिक लोक है, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत, परिवेश, इलेक्ट्रॉनिक और नए युग के जैज फ्यूजन के कुछ निशान है उनके। वह भारतीय गायिका लता मंगेशकर की एक उत्साही प्रशंसक है। सोनाली इलेक्ट्रॉनिक और नए जमाने के जैज फ्यूजन ओरिएंटेड संगीत समारोहों में एक नियमित कलाकार है। 2016 में सोनाली ने संगीत निर्देशक दामोदर राव के साथ एकल भक्ति एल्बम स्वरांजलि रिकॉर्ड की, जिसे संगीत कंपनी साई रिकॉर्ड्स के तहत रिलीज किया गया था।
जमीन रजिस्ट्री और दाखिल खारिज में गड़बड़ी होने पर सीधे सीओ पर होगी कार्रवाई। बिहार सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव सह निदेशक भू अभिलेख और परिमाप जय सिंह के द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारियों की मासिक बैठक में सभी जिलों के डीएम को यह आदेश दिया गया है कि वैसे अंचलाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए जो सरकारी जमीन के मामलों को सरकार का पक्ष रखने में लापरवाही बरतते हैं। बता दें कि बैठक में सचिव को बताया गया था कि सुयोग्य श्रेणी के उम्मीदवारों के बीच सरकारी जमीन की बंदोबस्ती भी बड़े पैमाने पर की गई है। इसके साथ ही उस जमीन को भी बेचा गया है जिसका हस्तांतरण न हुआ हो। इसके अलावा बिना वैध प्रक्रिया के सरकारी जमीन पर कब्जा करने की भी शिकायतें सामने आई है, जिसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव सह निदेशक भू अभिलेख और परिमाप जय सिंह के द्वारा यह आदेश दिया गया। बिहार में खुलना चाहिए एनएसटी। मनोज वाजपेयी फिल्मों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले मनोज वाजपेयी के द्वारा एक समाचार पत्र से बातचीत कर बिहार में फिल्म सिटी के खुलने को लेकर अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 20 सालों से लगातार ज्ञापन दे रहा हूं, अब इसे बनाना सरकार के हाथ में है। उन्होंने कहा कि हमारा काम तो केवल ज्ञापन देना है और निवेदन करना है, जो कि हम अपनी तरफ से हमेशा करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलकर इस बारे में बातचीत भी की है और कहा है कि बिहार में भी फिल्म सिटी बनानी चाहिए। इसके साथ ही मैंने यह भी कहा है कि बिहार में भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि एनएसडी भी खुलना चाहिए और इसमें सबसे जरूरी कला एवं संस्कृति पर काम होना चाहिए। इसके बाद ही बिहार के बच्चों को अपना कला प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। बिहार में भी सोशल मीडिया पॉलिसी लागू करने की तैयारी। बिहार सरकार के द्वारा बिहार में भी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी लागू करने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को सोशल मीडिया पर अपने कोचिंग लेक्चर लाइव प्रसारण आदि में भाग लेने के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में इस मुद्दे को लेकर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद के बीच बैठक की गई है, जिसमें यह विचार किया गया है कि सोशल मीडिया के उपयोग के लिए एक नीति बनाई जानी चाहिए, जिससे के पाठक और आईएएस विकास वैभव के जैसे विवाद दोबारा जन्म ही न ले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर इस तरह की पॉलिसी राज्य में लाई जाती है तो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी एक हद तक ही सोशल मीडिया पर सक्रिय रह पाएंगे। बिहार में 2500 करोड़ खर्च कर बनेगी 29 जिलों की सड़कें। केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में ग्रामीण सड़कों के लिए दी गई राशि से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य के 29 जिलों की सड़कें बिहार सरकार के द्वारा बनवाई जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 5 से 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, जिसकी मदद से 29 जिलों के 165 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए कुल 1441.4675 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विभागीय सूत्रों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बनने वाली सभी सड़कों को बनाने के साथ ही 5 साल के मेंटेनेंस की भी व्यवस्था होगी, जिसके लिए 112.6117 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। होली के मौके पर बिहार के लिए इंडियन रेलवेज ने चलाई 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। होली का त्यौहार आ रहा है और ऐसे में सभी लोग अपने अपने घर जाने की तैयारी में लग गए हैं। ऐसे में बिहार के यात्रियों के लिए इंडियन रेलवेज के द्वारा 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। इस बात की जानकारी पुमरे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई है। बता दें कि इनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिन 9 ट्रेनों का परिचालन का निर्णय लिया गया है उनमें आनंद विहार मुजफ्फरपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, आनंद विहार सहरसा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, आनंद विहार जयनगर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, दिल्ली बरौनी दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, आनंद विहार जोगबनी आनंद विहार आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, आनंद विहार सीतामढ़ी आनंद विहार एक्सप्रेस, नई दिल्ली दरभंगा नई दिल्ली, दिल्ली पटना दिल्ली सुपर फास्ट फेस्टिवल स्पेशल और धनबाद सीतामढ़ी धनबाद एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। भ्रष्ट लेखा पदाधिकारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। आए दिन हमें यह सुनने को मिलता है कि निगरानी विभाग के द्वारा एक भ्रष्ट अधिकारी की गिरफ्तारी की गई है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। बता दें कि यह नया मामला सहरसा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल के लेखा पदाधिकारी करुणा निधि सौरभ का है, जिन्हें निगरानी विभाग के द्वारा सहरसा स्थित कार्यालय से 56,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 4 जनवरी को निगरानी ब्यूरो में मनी भूषण कुमार के द्वारा करुणा निधि सौरभ को लेकर शिकायत की गई थी और कहा गया था कि करुणा निधि सौरभ इकरारनामा के तहत काटी गई राशि वापस करने के लिए 56,000 रुपए रिश्वत के रूप में मांग रहे हैं, जिसके बाद निगरानी विभाग के द्वारा इस मामले की जांच की गई और जांच के दौरान इसका सत्यापन करने के बाद छापेमारी कर करुणा निधि सौरभ को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे अब भागलपुर स्थित न्यायालय में पेश किया जाएगा। पटना
हाई कोर्ट ने 2,459 मदरसों की जांच संबंधित याचिका पर की सुनवाई। बीते दिन पटना हाई कोर्ट के एसीजे जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ के द्वारा राज्य के अनुदानित 2,459 मदरसों की जांच किए जाने के संबंधित अलाउद्दीन बिस्मिल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा सीआईडी को 4 महीने का समय देकर आदेश दिया गया कि वे इस समय तक सीतामढ़ी जिले के मदरसों की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। बता दें कि इससे पहले इन मदरसों की जांच का आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को दिया गया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राशिद अजहर ने कोर्ट को बताया कि सीतामढ़ी में इससे 88 मदरसे हैं जो फर्जी कागजात के आधार पर सरकारी अनुदान का लाभ ले रहे हैं। वही अब इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 4 महीने बाद की जाएगी। बिहार में शराब तस्करों ने तस्करी के बदले तरीके। शराब माफिया ट्रकों के माध्यम से बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद अन्य राज्यों से अवैध रूप से शराब ला रहे थे, लेकिन शराब तस्करों ने पुलिस की सख्ती और लगातार की जा रही कार्यवाही के बाद अपना रूट और तरीका बदल लिया है। दरअसल एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि पहले बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से होकर शराब लाया जाता था, लेकिन अब इन जगहों से सीधे न लाकर शराब को सीधे झारखंड ले जाया जा रहा है। वहां ले जाने के पश्चात सीमावर्ती इलाके में शराबों को गोदाम में डंप किया जा रहा है, फिर बिहार के विभिन्न जिलों में से छोटी गाड़ियों से सप्लाई किया जा रहा। बिहार के ग्रामीण इलाकों में अब बिजली ब्रेकडाउन की परेशानी होगी दूर। बिहार के ग्रामीण इलाकों में बिजली ब्रेकडाउन की परेशानी को दूर किया जा सके, इसके लिए बिजली कंपनी के द्वारा बिहार के 4 जिलों में योजनाओं पर काम कर रही है, जिसके तहत करीब 25.46 करोड़ रुपए की लागत से ग्रिड सब स्टेशनों को आसपास के पावर सब स्टेशनों से 33 kV लाइन से जोड़ा जा रहा है। बता दें कि बिहार के जिन 4 जिलों में इस योजना पर काम की जा रही है उसमें वैशाली, सुपौल, रक्सौल और किशनगंज जिला शामिल है। मालूम हो कि इस योजना के पूरा हो जाने से ग्रामीण सब स्टेशनों को कई माध्यम से बिजली संपर्कता बहाल होगी। इसके साथ ही अगर एक सब स्टेशन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आ जाती है तो उस स्थिति में दूसरे माध्यम से बिजली की सप्लाई बरकरार रखी जाएगी और लोगों को बिजली ब्रेकडाउन की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे बायोडायवर्सिटी पार्क के बारे में। बायोडायवर्सिटी पार्क बिहार के अररिया जिले का पहला ऐसा पार्क है जो इस जिले को एक नई पहचान दिलाता है। लगभग 20 किलोमीटर दूर पिकनिक के लिए एक बहुत ही पसंदीदा जगह बन गया है। इसके साथ ही इसे पिकनिक स्पॉट, वाटर पार्क, एडवेंचर पार्क, इको पार्क, रिजॉर्ट और मनोरंजन पार्क के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंदर बने चिल्ड्रेन पार्क विभिन्न तरह के गार्डन व पोंड बच्चों को खासा आकर्षित करते हैं। बता दें कि इस बायोडायवर्सिटी में 450 विभिन्न जातियों के वृक्ष लगाए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ जैव विविधता उद्यान में बांस का टिश्यू कल्चर लैब भी आप देख सकते हैं। वहीं इस पार्क में लोगों के लिए खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। बायोडायवर्सिटी में मुख्य रूप से चिल्ड्रन प्ले एरिया, टेरेस्ट गार्डन, लिली पॉन्ड, वाटरफॉल, वर्टिकल गार्डन, जापानीज गार्डन, रोज गार्डन आदि आकर्षण का केंद्र है। 104 के 4 लेन बनने से इन जिलों को मिलेगा लाभ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के चकिया से शुरू होकर मधुबनी जिले के लौखी प्रखंड के नहारिया तक जाने वाली सड़क NH 104 को 4 लेन बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। फिलहाल इसके DPR बनाने की कार्रवाई चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस 2 लेन वाली NH 104 को 4 लेन में करने के बाद इसका फायदा राज्य के 7 जिलों को मिलने वाला है, जिनमें पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया जिला शामिल है। बता दें कि फिलहाल NHAI के द्वारा भिट्ठा मोड़ से नरहैया तक के लिए DPR तैयार करने और भूमि के सर्वे कार्य के लिए निविदा जारी की गई है, जिसे कंपनियों से 27 मार्च तक प्राप्त कर ली जाएगी। वहीं DPR तैयार होने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बिहार में 2 दिन बाद बदल सकता है मौसम। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। राजधानी पटना सहित प्रदेश के बाकी इलाकों में पछुआ हवा का प्रभाव देखा जा सकता है, इस वजह से यहां ठंड का एहसास भी हो रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन भी मौसम में बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार से शनिवार तक पटना सहित राज्य के औसत तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। इस दौरान राज्य भर में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं का प्रभाव रहेगा, जिसका असर गुरुवार से यानी कि आज से ही देखने को मिल सकता है, यानी कि आज से राज्य के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है।
भाकपा माले ने किया 2024 चुनाव प्रचार का आगाज। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा इसके तैयारी की बिगुल बीते दिन बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में रैली करके बजा दी गई है। बता दी कि बीते दिन के हुए रैली में पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के द्वारा विपक्षी एकता का आह्वान करते हुए देश को नरेंद्र मोदी सरकार से मुक्ति दिलाने की अपील की। इसके साथ उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की भी तारीफ की। वहीं दीपांकर भट्टाचार्य के द्वारा लोगों से अपील करते हुए कहा गया कि पूर्णिया में होने वाली महागठबंधन की जनसभा में जरूर पहुंचे। उन्होंने कहा कि देश से मोदी सरकार को उखाड़ने के लिए विपक्षी ताकत दिखाना जरूरी है। मोदी की नीति अडानी अंबानी के लिए है, इसलिए गरीबों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। मुसलमानों को सेना में 30% आरक्षण की मांग करने वाले जेडीयू नेता पर बोले सीएम नीतीश। कुछ दिनों पहले नवादा में एक सभा को संबोधित करने के दौरान जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी के द्वारा मुसलमानों को सेना में 30% आरक्षण देने की बात कही गई थी, जिस पर बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी संज्ञान ले लिया है। उन्होंने कहा कि कई लोगों को बहुत कुछ बोलने की आदत होती है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब भी वह गुलाम रसूल बलियावी से मिलेंगे तो उनसे इस बारे में जरूर पूछेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इसके अलावा जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का इस मुद्दे पर कहना है कि हमारी पार्टी इस पर सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि जेडीयू हमेशा सेना का सम्मान करती है। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, बिहार आपकी तानाशाही से नहीं बल्कि रूल्स ऑफ लॉ से चलेगी। सरकारी कर्मियों को सोशल मीडिया यूज करने से रोकने का आपका प्रयास आपकी तानाशाही मनोवृत्ति को ही प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार के अधिकारी बेलगाम हुए भी हैं तो उसके जिम्मेदार आपकी दूषित राजनीतिक व सत्ता की महत्वाकांक्षा है। मुख्यमंत्री में अब अनुशासनहीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि आपका एक बाल खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपका पूरा ब्यूरोक्रेसी राजनीतिक निष्ठा के दो पार्टों में बढ़ चुका है। अधिकारियों का एक बड़ा हिस्सा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का है। बिहार की जनता जब इंदिरा गांधी जैसी तानाशाह को उखाड़ फेंकने में कोई कोताही नहीं की तो वह आपको भी बख्शने वाली नहीं है। तेजस्वी केजरीवाल की मुलाकात पर सीएम नीतीश का बयान। कुछ समय पहले ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से दी थी। वहीं अब उनके इस मुलाकात को लेकर मीडिया के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बीते दिन उनके समाधान यात्रा के दौरान गोपालगंज में सवाल पूछा गया तो इस पर मुख्यमंत्री कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए। उन्होंने बस इतना कहा कि ये सभी चीजें अलग है, ये सबके बारे में बाद में पूछिएगा, अभी फिलहाल हम यात्रा पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेजस्वी यादव के द्वारा अरविंद केजरीवाल से हुई मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा था कि आज दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात के दौरान वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बीजेपी सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम, संसाधनों, राष्ट्रीय संपत्ति और देश को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख दिया है। हम सबों को मिलकर देश बचाना है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। मिर्जा गालिब की 1969 में 100वीं पुण्यतिथि पर डाक टिकट जारी किया गया। जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 1982 में पहली बार कलकत्ता में किया गया। पनडुब्बी से पनडुब्बी पर मार करने की क्षमता वाले मिसाइल को 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2008 में पार्श्व गायक नितिन मुकेश को लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2008 से राज्य में मुख्यमंत्री विवाह योजना का शुभारंभ किया। 16 फरवरी 2009 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने साल 2009-2010 का अंतरिम बजट पेश किया। 16 फरवरी 2010 में हिंदी के प्रख्यात कवि कैलाश वाजपेयी, अंग्रेजी के लेखक बद्रीनाथ चतुर्वेदी और मैथिली के दिवंगत कथाकार मनमोहन झा समेत 23 लोगों को साल 2009 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि गुजराती के लेखक श्रीज जे पंचाल ने यह पुरस्कार लेने से मना कर दिया। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, साहित्यकार और लेखक सूर्यकांत पाठी निराला का जन्म 1896 में हुआ। 1944 में हिंदी सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के का निधन हुआ। वायरल में आज हम बात करेंगे TRAI के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है, इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे TRAI के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक कंपनी के नाम से TRAI से 5000 से 10000 रुपए के रिफंडेबल अग्रिम भुगतान के बदले मोबाइल टावर लगाने के लिए मासिक वेतन, किराया और अग्रिम भुगतान प्रदान करने का दावा करता है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह पत्र नकली है, TRAI ने यह पत्र जारी नहीं किया है।
इंस्टाग्राम पर आपको कोई ऑनलाइन न देखे तो अपनाए ये तरीका। इंस्टाग्राम दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया एप्स में से एक है। जिस तरह व्हाट्सएप पर लोग देख सकते हैं कि आप ऑनलाइन हैं या नहीं, ठीक उसी तरह इंस्टाग्राम पर भी एक्टिविटी स्टेटस होता है। इस फीचर से जो लोग आपस में चैट करते हैं या एक दूसरे को फॉलो करते हैं वे देख सकते हैं कि कोई शख्स ऑनलाइन है या ऑफलाइन। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपको ऑनलाइन देखे तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉइड और iOS में स्मार्टफोन पर इंस्टाग्राम ओपन करना। नीचे दाएं कोने में अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, ऊपरी दाएं कोने में तीन लाइन पर टैप करें, सेटिंग्स ओपन करें, प्राइवेसी ऑप्शन पर टैप करें, नीचे की ओर थोड़ा स्क्रॉल करें और एक्टिविटी स्टेटस टैब पर टैप करें। यहां से एक्टिविटी स्टेटस को ऑफ कर दें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, अनमोल कुमार, मुटू रंगीला, मोहम्मद सैफुल्ला, मृत्युंजय कुमार, श्वेता रॉय, पुष्पेंद्र राय, सैलजा कुशवाहा, पंकज कुमार दास, अखिलेश यादव, रूबी चौधरी, सुजीत कुमार सिंह, सदुल्लाह पलवी, प्रहलाद कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा। उसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार नीतीश कुमार के द्वारा किए गए समाधान यात्रा से जेडीयू को राजनीतिक तौर पर कितना फायदा पहुंचेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।